तो अभी टाइम हो रहा है करीबन 11:15। तो भाइयों आज हम लोग जा रहे हैं, सॉरी भाइयों और बहनों, आज हम लोग जा रहे हैं, ऑफेंड हो जाओगे यार तुम लोग, आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ की मोस्ट क्राउडेड प्लेस में पब्लिक ब्लॉगिंग करने, और वो प्लेस है लखनऊ की अमीनाबाद मार्केट, जो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से 10 से 15 वीडियो से एक्सपीरियंस से बताऊँगा वो कौन से 5 टिप्स हैं जो एक ब्लॉगर के अंदर होने चाहिए अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हो व्लॉगिंग में। तो पब्लिक व्लॉगिंग माना कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, लोगों को फेस करना, कैसे आप करोगे, लोग क्या कहेंगे, तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप अपने व्लॉग देखो, अगर आप अपने व्लॉग नहीं देख सकते हो तो लोग आपके व्लॉग बिल्कुल नहीं देखेंगे। देखो उसमें कौन सी मिस्टेक्स हैं और नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करो कि वो मिस्टेक्स ना हो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ द बॉय पीयूष बाजपेयी, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए चलते हैं हम लोग अमीनाबाद मार्केट और आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी 5 टिप्स हैं। हालांकि मेरे को भी अभी डर लगता है पब्लिक ब्लॉगिंग से, मगर इसी बहाने मेरा भी डर निकलेगा और आपको वो 5 टिप्स भी पता लगेंगी। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं 12:30 और हम लोग आ चुके हैं अमीनाबाद मार्केट में। और तो हम लोग पढ़ते हैं अपने सबसे जो पहला पॉइंट है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कीप वॉकिंग। तो कीप वॉकिंग पॉइंट मैंने क्यों रखा कि जब भी आप चलते हो रास्ते में तो आपका हमेशा एक ही काम करना है, आपको जो आपका फोकस है वो लेंस के ऊपर रखना है और कहीं नहीं लाना है। और कोशिश किया करो अपने दोस्त के साथ चला करो, क्योंकि वो आपको बताता रहेगा कि अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है और कुछ आ रहे हो, अगर आप एक ही जगह पे खड़े रहोगे तो क्या आप फोकस पॉइंट बन जाओगे लोगों का, तो लोग आपको ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होगे अभी भी लोग पीछे मुड़ के मेरी तरफ़ देखते जा रहे होंगे, मगर जो मेरा फोकस है वो लेंस की तरफ है, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो हमेशा चलने से आपको यही फ़ायदा मिलता है कि आप फोकस पॉइंट नहीं बनते हो, एक ही जगह खड़े नहीं रहते हो, तो लोग भी आपको खड़े होकर देखने नहीं लगते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में क्या ये नई चीज़ है ब्लॉगिंग, और लोग इतनी जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लोग क्या सोचते हैं कि अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बंदा पागल तो नहीं हो गया माइक में बोलता हुआ जा रहा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है वो है कीप वॉकिंग। सो द सेकेंड पॉइंट इज लाउड एंड क्लियर। तो जो हम लोग का सेकेंड पॉइंट है वो है ट्राई टू बी लाउड एंड क्लियर। तो कोशिश करना आप लोग हमेशा जब भी आप ऐसे पब्लिक व्लॉगिंग कर रहे हो, पब्लिक प्लेस में आओ, तो एक्सटर्नल माइक यूज़ करो। उससे क्या होता है कि जो भी सराउंडिंग्स बैकग्राउंड म्यूज़िक होती है, बैकग्राउंड जो भी आवाज़ आती है, वो ये माइक जिसमें डेड कैट लगा होता है वो काट देता है, और इससे काफ़ी हेल्प पड़ती है व्लॉगिंग करते समय। और जो हम लोग का इंटरनल माइक होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैच करने के पीछे लगा रहता है, और वो सही नहीं रहता है व्लॉग में, क्योंकि आपको पता ही है ऑडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ये जो सेकंड पॉइंट है हम लोग का वो याद रखिएगा, ट्राई टू बी लाउड एंड क्लियर। एंड द थर्ड पॉइंट इज लुक एट द कैमरा। तो जो हम लोग का थर्ड पॉइंट है वो है लुक एट द कैमरा। तो आपको क्या करना है कि कैमरे की तरफ देख के बोलना है, इससे क्या होगा आपका जो जो आप बोलना चाहते हो वो आपको याद रहेगा। और अगर आप इधर उधर देखोगे, जैसे कि सोचो कि मैं इधर उधर देख के बोल रहा हूँ, जो कि बिल्कुल अपीलिंग नहीं लगेगा, जो भी आपके व्यूवर्स हैं उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कोशिश करो कि आप कैमरे की तरफ देख के बोलो। और एक चीज़ कोशिश और करना कि अगर आप स्टार्टिंग में कैमरे की तरफ देख के नहीं बोल पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप ग्लासेस पहन सकते हो, सन ग्लासेस पहन सकते हो, जिसमें आपको मदद मिलेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर द थर्ड पॉइंट, लुक एट द कैमरा। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ मेक सम बुलेट पॉइंट्स इन योर माइंड। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ मेक सम बुलेट पॉइंट्स एंड नो योर लोकेशन। तो इसमें आपको क्या मदद मिलेगी, अगर आप किसी जगह पे आ रहे हो तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे आ रहे हो, उसी हिसाब से आपका माइंडसेट बन जाएगा, किस हिसाब से भीड़ रहती है वहाँ पे, कैसे लोग रहते हैं। तो हमेशा अपनी लोकेशन को जानो और मेक सम बुलेट पॉइंट्स इन योर माइंड, मतलब कि कुछ बुलेट पॉइंट्स अपने दिमाग में बना लो कि आपको वहाँ जाके क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप वहाँ पे काम करोगे, कैसे शूट करोगे, अपने इक्विपमेंट्स के बारे में जानो, और दिमाग में ये सब चीज़ें बैठा के रखो कि आप वहाँ पे जा रहे हो तो कैसे शूट करोगे, किस तरीके से करोगे, और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। कि सोचो अगर कपड़े की मार्केट है तो आप वहाँ पे कैसे शूट करोगे, या कुछ खाने पीने की जगह है तो आप कैसे शूट करोगे। तो इस फोर्थ पॉइंट का यही मतलब निकलता है कि नो योर लोकेशन एंड मेक सम बुलेट पॉइंट्स इन योर माइंड। एंड द लास्ट पॉइंट इज़
ट्राई एंड ट्राई अगेन. सो आवर फिफ्थ पॉइंट इज ट्राई एंड ट्राई अगेन. देखिए, एक रात में किसी को सक्सेस नहीं मिलती है. आजकल जितने भी यूट्यूबर बने हैं, इतने बड़े बड़े आप देख रहे हो, उनको एक रात में सक्सेस नहीं मिली है. तो कोशिश करो कि बार बार करने की, उसको बार बार पब्लिक में व्लॉगिंग करो. और सबसे अच्छा इसका प्रैक्टिस क्या है, जो मैंने भी घर पे की है, आप वीडियो कॉल में अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हो, या आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. और एक रात में तो शायद मैं भी इतनी अच्छी पब्लिक व्लॉगिंग ना कर पा रहा हूँ, तो मैं भी यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ. और आप व्लॉग बनाओ. अगर आप अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड ना करो, तब भी आप उसको बनाने की कोशिश करो, बनाओ और अपने आप देखो, उसमें गलतियाँ निकालो, क्या क्या गलतियाँ हैं, और नेक्स्ट टाइम उसको कोशिश करो कि वो गलतियाँ ना हों. पहले के व्लॉगर से आप देखोगे जाके, उनकी व्लॉगिंग देखोगे जाके, तो उन्होंने भी कभी इतनी अच्छी व्लॉगिंग नहीं की. और परफेक्ट स्टार्टिंग में कोई नहीं होता है. तो हमेशा जो फिफ्थ पॉइंट है वो याद रखिएगा, ट्राई एंड ट्राई अगेन. तो अब हम लोग अगर अमीनाबाद तक आ ही गए हैं, तो एंडिंग करते हैं हम लोग पान से. और पांडे जी के यहाँ के पान में आए. पांडे जी पान लगा लीजिए एक मीठा. और ये हमारे पांडे जी पान लगाएंगे अभी. ना, मगर हमको तम्बाकू का स्पेशलिस्ट नहीं बोलते हैं, हमको मीठे पान का बोला जाता है. बताइए पांडे जी अपनी दुकान के बारे में कुछ. ये हमारी दुकान बाबा जी ने हमारी खोली थी. अच्छा. फिर हमारे पिताजी बैठे, अभी हम बैठ रहे हैं. तो ये कितने साल पुरानी होगी? लगभग 75 साल होंगे. 75 ईयर. 75 ईयर्स. दो लगा दीजिएगा भाई जी. आज ये समझिए थर्ड जनरेशन यहाँ पे बैठ रही है. अच्छा, तो 75 साल पहले भी यहाँ पे इतनी भीड़ होती थी? यही तो बात है, 75 साल पहले यहाँ पे बस स्टॉप होता था कॉर्नर पे. अच्छा. तो जो आज के समय में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अमीनाबाद में ऐसा हो सकता है. और सारे घर थे, इतनी दुकानें नहीं थी. तो अगर आप भी अमीनाबाद आए तो पांडे जी के यहाँ का पान जरूर खाएं. जब भी हम अमीनाबाद आते हैं तो यहाँ का पान जरूर खा के जाते हैं. हमारे पास 8 मीठे पानों की वैरायटी है. अच्छा. मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, पाइनएप्पल, चॉकलेट, फायर पान. अच्छा. तो इस तरीके से हम मीठे पान को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ले जा रहे और लेके जाएंगे. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. मीठे पान में जो भी कुछ हम करते हैं वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए. ये क्या अभी आपने डाला है? ये गुलकंद है. अच्छा. ये गुलाब की पत्तियों से बनता है, डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है. सुपारी या ऐसा कोई भी चीज़ हम इसमें नहीं करते जिससे आपको नुकसान हो. जी जी. थोड़ा सा तो ये थे कुछ हमारे 5 पॉइंट्स जो हमने अपने एक्सपीरियंस आपको बताए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना. अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कैसी लगी. तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. चलिए चलते हैं.